हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई हूँ कि अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आज का ब्लॉग डिनर से शुरू कर रही हूँ। तो डिनर में मैं बना रही हूँ फिश करी, और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने ये मिनी चॉपर में टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और जीरा डाल लिया है और इसको अच्छे से चॉप कर लिया है। और ये मैंने ऑयल लिया है पैन में और मैंने डाला है सरसों। अब सरसों थोड़ी सी पक जाएगी, मतलब थोड़ी सी आवाज़ आती है इससे चटकने की। और ये मेरी गुड़िया आई थी अभी, तो मैं इसमें डाल लूँगी हल्दी, और हल्दी डाल के इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद मैंने जो मसाले बनाए थे, मतलब अभी मिनी चॉपर पे मैंने जो भी चॉप किया था उसको मैं इसमें डाल ली हूँ। और बस इसको थोड़ा सा पकने दूँगी, अरे पकने दूँगी। और मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर और नमक। मैंने ढक लिया है, ये मसाला पक के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, और जो फिश थी उसको मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था ऑयल में, और अब मैंने ये इसमें फिश डाल दिए हैं, फिश के पीस। और ये देखिए बनके तैयार हो गया है, मेरे को तो बहुत ही टेस्टी लगता है और मेरी छोटी वाली बेटी को बहुत पसंद है। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग टाइम है और मैं बस सफाई कर लूँगी पूरे घर की। मेरा भाई आया हुआ है, तो देखिए झाड़ू लगा ली है अच्छे से। और फ्रेंड्स, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है मॉर्निंग टाइम में, काफ़ी मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे धूल बहुत ही ज़्यादा होती है। और पता नहीं कि मैं रोज मतलब ऐसे कपड़ा तो मार ही लेती हूँ, लेकिन फिर जैसे आज कपड़ा मारूंगी तो फिर कल ये फिर ऐसे ही इसके ऊपर मिट्टी दिखाई देने लगेगी। पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आ जाती है, यहाँ काफ़ी धूल मिट्टी है, तो पता नहीं कहीं ना कहीं से तो उड़ के आ जाती है। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा कपड़ा लगा लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ, ताकि अगर मैं पहले डस्टिंग कर लूँगी फिर झाड़ू लगाऊंगी तो फिर झाड़ू से सारी जो धूल मिट्टी होती है वो फिर उड़ के फिर बैठ जाएगी, लग जाएगी। इसलिए मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद ही डस्टिंग करती हूँ। और बस काफ़ी काम है मेरा, देखिए और फ्रेंड्स आप बताइए कि क्या हो रहा है। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अभी तो मुझे इतने अच्छे से वीडियो बनाने आते नहीं हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे बने। और ये देखिए ये मेरे भाई हैं, इनको शर्म आती है कैमरे के सामने, तो मैं इनके लिए बना रही हूँ अब परांठे आलू के। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा
क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ कर लेना आप लाइक, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट भेजते हैं, कमेंट लिखते हैं। और ये देखिए परांठा बनके तैयार हो गया है।